दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं अशेष जन्तो हो स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्त्री रोग परिचर्या का आज का ये सत्र विशेष रूप से हृदय रोग पर आधारित है, और जो भी लोग इसको फेसबुक पर देख रहे हैं, जो भी लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, इस स्त्री रोग परिचर्चा, ये एक हमारा आयुष दर्पण का एक अलग उपक्रम है जिसमें पूरे वैद्यों को, भारत भर के वैद्यों को जुड़ने का मौका मिलता है, उनको सुनने का मौका मिलता है। और आप भी अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो 9410379397 पर आप संपर्क कीजिए और आप भी हमारे इस ग्रुप में शामिल होकर अपने अनुभवों को शेयर कीजिए। तो मैं वैद्य शिल्पायर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कल हमने कुछ अलग से पीसीओडी पर चंद्रप्रभावटी का प्रयोग हमने कल डिस्कस किया था, और आज हम लोग जैसे कॉमन समस्या है हमेशा से, जो बहुत बार मुझे लगता है कि जो हम लोग तो हमारे पास आने वाले जो गायनिक केसेस होते हैं, इनमें से ज्यादा केसेस जो है वो पीसीओडी, इनफर्टिलिटी एवं प्रदर रोग से जुड़े होते हैं। प्रदर ये कई बार एक सामान्य लक्षण के तौर पर भी उपस्थित हो सकता है, जैसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम के तौर पर, या फिर मेनोपॉजल एज में, या अलग सारे इसके कारण होते हैं। इस कारणों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। बट जैसे कुछ हमारी जो संहिताएं हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, इसी को साथ लेकर कुछ अलग अलग हर एक व्यक्ति का, जैसे कई सारे कल्प हमारे पास होते हैं, कई सारे अनुभव हमारे पास होते हैं, और हर एक वैद्य, जैसे ज्वर आता है तो हर कोई वैद्य त्रिभुवन कीर्ति का ही प्रयोग करता है, ऐसे नहीं होता है। तो अलग अलग कल्पों का प्रयोग हम लोग करते हैं वेरिएशन के साथ। जैसे आयुर्वेद में वय, बल, देश, काल, अवस्था, इन सभी को महत्व दिया है, वैसे ही हमारे जो आद्य आचार्य है चरक सुश्रुत एवं बाघभट्ट, इसी के साथ जैसे माधव निदान या फिर योग रत्नाकर, अष्टावुदय, भाव प्रकाश, इन सभी संहिताओं से भी हम लोग हमेशा से पाठांतर करते रहते हैं, और इन संहिताओं को पुनरुज्जीवित करने का या उनका दृष्टिकोण क्या है उसको भी समझने का प्रयास हम करते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर प्रदर रोग को पढ़ेंगे, समझेंगे। आचार्य योग रत्नाकर ने जो खास कर रोगाधिकार में प्रदर रोग का वर्णन किया है, इसको यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूंगी। जो शास्त्रोक्त या जो योग रत्नाकर में खास लिखा है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे हर एक संहिताओं से हम पढ़ेंगे आगे भी, जैसे मैं भाव प्रकाश से मैं बताना चाहूंगी, या फिर हरित संहिता से हम लोग पढ़ेंगे, या शारंग संहिता में प्रदर रोग के बारे में क्या वर्णन आया है, क्योंकि हम लोग बार बार वही कल्पों का प्रयोग करते रहते हैं। बट जो कुछ अनुभूत नुस्खे है, आगे भी हम लोग बहुत सारे अनुभूत नुस्खों के ऊपर काम करेंगे। मैं कुछ पीडीएफ भी शेयर करूंगी, कुछ जो भी हम लोग यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में भी जो कुछ प्रयोग में लाते हैं, ऐसे भी कुछ जो कल्प है या जो कुछ योग है, इसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगी निश्चित रूप से, और आप भी अपने अनुभव शेयर करते रहिएगा। तो स्वागत है आप सभी वैद्यों का इस सत्र में। तो सबसे पहले तो निदान क्या बताया है इसको मैं बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो विरुद्ध आहार, अभी विरुद्ध आहार के बारे में हम सभी जानते हैं, काल संयोग देश काल, फिर संयोग विरुद्ध है, इसमें मात्रा विरुद्ध है, जीर्ण विरुद्ध है, कुछ रस विरुद्ध भी है, बनाने का तरीका भी होता है विरुद्ध पद्धति से, तो कई सारे है। तो ये विरुद्ध आहार कई बार, मतलब अब हमें इसको एक डिटेल में समझाने बैठेंगे तो इसके ऊपर एक सत्र हो सकता है। तो ये संयोग, मात्रा, विरुद्ध, देश, काल, जैसे हमें सबको पता है कि किस बर्तन में क्या खाना बनाना है, कब खाना है, लवण कितना डालना है, किसके विरुद्ध क्या होता है, जैसे फल दूध है, खिचड़ी दूध है, या फिर ऐसे कई सारे जो ये होते हैं ना, या फिर
अनेक रसों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे वातक प्रकृति में इरिटेशन हो सकता है, तो वातक प्रकृति के व्यक्ति में हम लोग हमेशा से कहते हैं कि ज्यादा कुछ कॉम्बिनेशन वाला फूड ना प्रयोग करें, क्योंकि एलर्जी हो सकती है, उनको सहन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से विरुद्ध आहार, फिर मद्यपान करने से, अध्यसन करने से, अजीर्ण रोग से। देखिए अभी हम गायनिक का बात कर रहे हैं, बट गायनिक के बात में या गायनिक के वैद्यों में भी ऐसा नहीं है कि हर बार कुछ प्रजनन संस्थान से ही जुड़ी समस्याओं से ये लक्षण होता है। तो एक्चुअली आयुर्वेद में रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, ये जो है केवल काय चिकित्सा के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे शल्यशालक से लेकर कई सारे व्याधियों में, स्त्री रोगों में भी हमें अग्नि के ऊपर भी ध्यान देना है। अध्यसन, अजीर्ण, गर्भपात होने से, अधिक मैथुन करने से, अधिक सवारी पथ चलने से, अधिक सवारी पथ चलना इसका हम लोग दोष के साथ जोड़ना चाहेंगे तो वात का प्रकोप का कारण बताया है, इस वात वृद्धि होती है, ठीक है। अजीर्ण रोग से, फिर अधिक मार्ग चलने से ये भी वात प्रकोप होगा, इससे भी शोक करना, देखिए शोक ये भी वात का बढ़ाने वाला है हेतु है। अत्यंत उपवास आदि करने से, उपवास ये भी वात को बढ़ाएगा, कारण धातुओं की क्षीण हो जाने पर। तो महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे फिर से धातु क्षीणता की है, तो फिर धातु क्षीणता के जो भी कारण है, अत्यधिक क्रोध, चिंता, शोक, जागरण, चलना, मार्गक्रमण करना, उपवास करना, लंघन करना, अधिक शुक्र धातु का क्षय करना, अत्यधिक सभी कारणों से अत्यंत भार उठाना, ये भी वात का हेतु बताया है आचार्य ने। और फिर दिन में अधिक सोने से, देखिए अभी ये दिन दिवासवा जो कि कफ और पित्त का प्रकोप करने वाला है, तो यहाँ पर कुछ हेतु वात के हैं, कुछ कफ और पित्त के प्रकोप के बताए हैं। और पित्तज, वातज और सन्निपात चार प्रकार के प्रद निर्माण होते हैं, ऐसे आचार्य योग रत्नाकर बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने निदान बताया। देखिए अभी सामान्य लक्षण प्रदर के, सभी प्रदर रोगों में सामान्यतः अंग टूटना और पीड़ा का लक्षण होता है। तो मतलब जो श्वेत स्राव या रक्त स्राव, रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर, ऐसे दो उसके मुख्य भेद होते हैं वैसे तो, बट फिर भी जो अगर लक्षण को देखेंगे तो अंगों का टूटना, अंगमर्द है क्योंकि धातु क्षय है, तो धातु क्षय जन्य ये लक्षण है, अंगों का टूटना है, पीड़ा सी होती है। अभी देखिए जो यहाँ पर हमने चार प्रकार किए हैं उस लक्षणों को पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पे जो नुस्खे दिए हैं इसको मैं बताऊंगी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी आपको भी कुछ ऐड करना हो तो आप हैंड रेस कीजिए, और आप भी इस परिचर्चा में बिल्कुल हिस्सा लीजिए, एक्टिव पार्टिसिपेट रहिए आप भी। तो सबसे पहले तो कफज प्रदर के बारे में बताया है। तो कफज प्रदर को, कफ के प्रकोप के कारण जो प्रदर रोग होता है उसमें देखिए अभी कफ है तो क्लेद अधिक बनेगा। कफ का हमेशा से दोष धातु मलों को याद में ही रखना ही पड़ता है, उसके बिना तो कुछ आगे संप्राप्ति नहीं बनेगी, और चिकित्सा में संप्राप्ति का भंग में हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो कफ दोष है तो रस धातु का संबंध होगा, कफ दोष का रस रक्त, रक्त का पित्त के साथ है, रस फिर मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, इन सभी धातुओं के साथ आश्रय संबंध होता है। तो जब संप्राप्ति या फिर आगे जैसे संप्राप्ति घटती है तो लक्षण कहाँ तक जाते हैं इसे हमें पता चलता है, ठीक है। फिर पिच्छिलता, यानी कुछ यहाँ पे उदाहरण दिया है शालमली नियास, यानी जो एक प्रकार का डिंक वगैरह आता है ना, गोंद के समान ऐसे बताया है, तो गोंद के समान पांडु वर्ण का, और गेहूं के धोवन की भांति का, मांस के धोवन की भांति, अथवा शुद्र धान्य के चावलों के ओदन की भांति अवस्था होता है। तो इतनी सारे उपमाएं दी है उसमें, लाइक जैसे हम लोग चावल धोते हैं ना, या कभी कभी चावल जैसे बर्तन में पकाते हैं तो उसके ऊपर जैसे सफेद जैसे पानी आता है जो फेंक दिया जाता है, जिस जो एक्चुअली जो बहुत प्रोटीनियस होता है, जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसको फेंकना नहीं चाहिए, बट हम लोग जैसे उसमें कुछ कलर बदलता है कभी कभी, ब्लैक कलर या मिल्की कलर का वो होता है ना, तो इस चावल के धोवन को फेंक दिया जाता है। फिर यह गेहूं के धोवन, जब हम गेहूं के कुछ व्यंजन बनाते हैं, गेहूं से ये बनाते हैं ना पापड़ या कुछ जैसे खीर वगैरह बनाना होता है, तो गेहूं को पानी में डालकर रखते हैं, तो उसके ऊपर जैसे पानी आता है ना, एक थोड़ा सा सफेद झागदार वाला ऐसे पानी आता है ना, तो ऐसे यहाँ पर कफ का स्त्राव या ऐसे श्वेत स्त्राव का जो एक स्पेसिफिक आचार्य ने बताया है, ऐसे एकदम से ये टाइप का श्वेत स्त्राव होता है। तो जब हम लोग प्रदर की हिस्ट्री लेते हैं तो हमेशा से हमें ये डिस्चार्ज कैसा है, उसके गुण क्या है उसको पूछिए। जैसे इसमें अलग अलग वैरायटी होती है, मतलब सफेद विदाउट कलरलेस पानी से लेकर सफेद पानी, दही के जैसा पानी, अभी हम लोग चावल के पानी के जैसे, दूध के जैसा, फिर इसमें कुछ रक्त पूर्णता, पस, असिक्रेशन, हीरा, हरा रंग है, पीला रंग, अलग अलग रंग भी अलग अलग प्रकार की दृष्टि में पाए जाते हैं। तो कफज प्रदर का मुख्य लक्षण इस प्रकार से, चावल, मुझे लगता है चावल के पानी सबको समझ में आता है, हम पेशेंट्स को वही पूछते हैं। दूसरा बताया पित्त का, अभी देखिए पित्त है तो दाह,
पाक राग ये सभी लक्षण तो मिलेंगे। तो पित्त के कोप से जो प्रदर होता है ना उसमें पीत नील कृष्ण रक्त उष्ण तथा पित्त दोष की पीड़ाओं दाह चिमचिमे, इसमें स्त्राव भी होगा और कुछ बर्निंग सेंसेशन भी होगी लाइक कुछ चिमचिमायन कुछ ऐसे दाह के जैसे भी ये लक्षण मिलेगा। मतलब श्वेत स्त्राव के साथ जब आपको उस प्रजनन संस्थान में अंगों में अगर दाह निर्माण होता हो तो आप बताइए भी ये दाह कैसे निर्माण होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे मूत्र प्रवृत्ति के समय पे दाह होगा या फिर कभी कभी अचानक से कुछ जैसे मेनोपॉजल एज में कुछ हॉट फ्लैशेस जैसे होता है ना वही टाइप का ही उनको स्त्राव के साथ अगर होता है तो इसको हम लोग पित्तज प्रदर समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे भी यौन व्यापक के साथ भी कैसे जोड़ सकते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। अभी है वातज प्रदर। देखिए वात दोष का प्रकोप है जैसे ज्यादातर हेतु मुझे लगता है जो बताए सभी वात के ही है और हम लोग रुग्णों में भी ये देखते हैं कि सोना चिंता करना जागरण करना अधिक ये अपनी शक्ति से अधिक बल का ह्रास करना अधिक कार्य करना ये भी सभी हेतु हमें वात में हमेशा से नहीं कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कफ से गढ़ूलता थी अविलता थी स्तन था थी चिकटपना था पित्त से दाह पाक राग था। अभी वायु के लक्षण क्या होंगे तो वायु से तो ये ऐसे कुछ चिकनाहट वगैरह नहीं होगी जैसे वात दोष के गुण हमें पता है। तो स्वच्छ अरुण वर्ण का अरुण ही वात का गुण है। अरुण मतलब थोड़ा सा लाइक ब्लैकिश ब्लैक रेड मिक्स ऐसे कुछ कलर का ये होगा। फेनयुक्त झाग होगा फेनयुक्त थोड़ा सा सुई चुभने से के समान पीड़ा पीड़ा में भी फर्क होगा। वात से पीड़ा सुई चुभने से जैसे जैसे टोचते हैं ना सुई हम प्रिक लेते हैं इंजेक्शन देते हैं तो उस सुई से जैसे पेन होता है ना सूचीवत वेदना उस प्रकार का वेदना वात में। पित्त में हमने देखा दाह जलन के समान क्योंकि पित्त का उष्ण है तो इस प्रकार से ये चुभने जैसी पीड़ा और फिर मांस धोए हुए जल के समान स्त्राव होता है। मांस को जब धोते हैं तो उससे जो हम लोग उस पानी को फेंक देते हैं ना उस वो जल कैसे दिखता है ना उसके समान इसका स्त्राव बताया है। तो ये वातज प्रदर के कफज पित्तज वातज और लास्ट में आचरण सन्निपातज प्रदर का बताया है। देखिए तो यहाँ पे तो तीनों दोषों का प्रकोप है तो यहाँ पर जो प्रदर या फिर स्त्राव जो होगा मधु मिले हुए घृत के समान। अभी मध तो लाइक हमें मध पता है स्टिकी होता है चिकट है डार्क ब्राउन कलर का होता है। घी सफेद थोड़ा सा अगर गाय का घी लेंगे तो थोड़ा सा पीत वर्ण अधिक होगा और भैंस का घी अगर हम लेंगे तो उसमें व्हाइटिश ये ज्यादा होगा क्योंकि गाय में थोड़ा सा पीलापन अधिक होता है। तो ये दोनों आप पूछिए रुग्ण से मधु मिले हुए घृत के समान मतलब अभी घृत कैसे होगा तूप के समान। घृत तो चिकनाहट वाला होगा एकदम गाढ़ा ऐसे जमा जैसे जम गया सा ऐसे वहां पर स्त्राव होगा। हड़ताल के वर्ण का मज्जा के समान और मुर्दे की दुर्गंध के समान स्त्राव वाला ये गंध होगा बिल्कुल। मतलब ये मुझे लगता है कि ये खास लक्षण होगा सन्निपातज दोषों में क्योंकि पित्त से दाह पाक कोद सड़न होगी वहां पर कुछ सर्विटाइसाइटिस टाइप के लक्षण कुछ सूजन जैसी होगी इन्फ्लामेशन होगा वात से सूचीवत वेदना होगी पित्त से दाह और स्टिकीनेस होगा चिकनाहट होगी। तो इन सबको मिलाकर वहां पर मुर्दे की दुर्गंध तो दुर्गंध गंध हमेशा पूछिए गंध नहीं है क्लियर सिक्रेशन है तो हमेशा बहुत बार नॉर्मल भी हो सकता है। इसके कई सारे कारण है अधिक सोचना मैथुन के समय पे या फिर अधिक प्रकार से कुछ पढ़ना या कुछ देखना इससे भी सिक्रेशन होता है। प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के तौर पे भी सिक्रेशन वजनल डिस्चार्ज जो है ना इसके कई सारे बताते हैं इसको हम बार बार करते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये सब कुछ ध्यान में रखना है। ऐसा अगर कुछ है तो ये सन्निपातज है मतलब मुर्दे के समान गंध आना ये खास लक्षण बताया है और घृत के समान चिकनाहट वाला घट्ट से ऐसे जमा जैसे ऐसे एकदम से बहेगा नहीं वो वही के वही मतलब स्त्री को महिला को आप पूछिए कि कैसे प्रकार का होता है ना तो वो मतलब ऐसे कुछ बताएंगे कि क्लॉट के जैसा चिकनाहट वाला वही के वही जमने वाला जो जल्दी से छूटता नहीं ऐसा अगर स्त्राव निकलता है तो वो सन्निपातज प्रदर का बताया है। तो इस प्रकार से ये प्रकार आपको कुछ किसी को कुछ बताना है आप बताइए या फिर हम आगे बढ़े इसमें कुछ ऐड करना है किसी को। यस मैम या फिर हम लोग चर्चा ही करेंगे बाद में कल्पों के साथ चर्चा करेंगे जो अनुभूति योग बताए ना उस समय आप भी बताइएगा ठीक है। फिर उपद्रव रक्त के अत्यंत प्रवृत्त होने से प्रदर के बढ़ जाने से दुर्बलता फिर भ्रम मूर्छा मद तृष्णा दाह प्रलाप देखिए एक एक लक्षण को समझे। दुर्बलता तो होगी
अधिक मात्रा में रक्त प्रदर हो रहा है तो मतलब रक्त, अभी यहाँ पर आगे आचार्य ने रक्त प्रदर के मतलब रक्त अधिक मात्रा में स्त्राव होने से मेनोरुजिया से क्या लक्षण, दुर्बलता तो होगी क्योंकि रक्त ये तो महत्वपूर्ण धातु है, रक्तम जीवनम इति स्थिति ही, रक्त से ही जीवन है, शरीर की स्थिति रक्त पर निर्भर करती है तो दुर्बलता तो आएगी, भ्रम चक्कर भी आएगा, जैसे कि हमारा बैलेंस ब्लड से ही है, अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो भ्रम लक्षण मिलेगा, मूर्छा भी, मद, कुछ सुस्ती, कुछ ना समझना, तृष्णा, दाह, पित्त, रक्त पित्त का आश्रय से संबंधित दाह, तृष्णा, प्रलाप, प्रलाप क्यों होगा बताइए, आप ही बताइए मुझे प्रलाप लक्षण क्यों होगा, बड़बड़ करना, बोलना, अधिक बोलना, पांडुता, तंद्रा, अनेक प्रकार के वात रोग आदि, बताइए प्रलाप किस गुण से होगा, कोई बताएगा, अंजू, रूपल, अगर आप बताना चाहे तो, गौतम सर, रसक्षय होगा मैम, हाँ, यस यस, वेरी नाइस, बिल्कुल रसक्षय से होगा, और रसक्षय भी और वात प्रकोप की, क्योंकि वात का वात के प्रकोप में या जब वात वृद्धि होती है ना तो बताया है ना, जैसे काशय काशोष्ण कामित्वम कंप अनाह शकृत ग्रहण बल निद्रेन्द्रिय भ्रंश प्रलाप मोह दीनता, तो ये सभी लक्षण वात वृद्धि के है, तो यहाँ पर जैसे कि उपद्रव के रूप में दोष बड़े हैं तो उपद्रव के रूप में ये सभी लक्षण मिलेंगे क्योंकि तीनों दोषों का प्रकोप है, तो इस प्रकार से हम लोग तीनों लक्षण इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मुझे लगता है इसमें से 60-70% लक्षण हमें रुग्ण में दिखते ही है ना, हम लोग लाइक प्रलाप वगैरह नहीं बट भ्रम तृष्णा मूर्छा या कुछ क्षय जैसे कुछ गलावट सोकर रहना कुछ काम न करने की इच्छा न होना ये तो हमें दिखते ही है लक्षण, ठीक है। अभी असाध्य प्रदर किसको बताया है आचार्य ने, देखिए जिस प्रदर रोग में निरंतर योनि से स्त्राव होता रहे, तृष्णा दाह ज्वर और दुर्बलता हो तथा रक्तक्षीण हो गया हो उसे असाध्य जानकर त्याग देना चाहिए, बट ये तो आचार्य हमेशा बताते रहते हैं कि त्याग देना चाहिए, बट मुझे लगता है कि हम लोग एक कर्तव्य के रूप में, बट कई कई बार ऐसे होता है कि जब कुछ यश नहीं मिल पाता है तो उसको छोड़ देना, ये भी आचार्य बताते हैं हमेशा, जैसे कि चरक सुश्रुत बागभट ने भी इसी प्रकार से बताया है कि जो असाध्य रुग्ण है उसको छोड़ दीजिए और साध्य रुग्ण को देखिए, बट अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो इसको असाध्य बताया है। अभी शुद्धात्मा का लक्षण बताया है तो इसको तो हम सभी जानते हैं, फिर उन्होंने रज जो है शशक के समान, रक्त के समान, लाख लाक्षारसोपम वगैरह उसको उपमा दी है, तो आगे चलते अभी चिकित्सा की तरफ चलते हैं, मुझे लगता है कि सब सभी को हेतु निदान के बारे में या डिफरेंशिएट कैसे करना है समझ में आए, तो क्योंकि बार बार मुझे हमेशा से प्रदर रोग तो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत बार ट्रीटमेंट वगैरह पूछी जाती है, बट अगर आपको आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी को समझना है, इसके परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा करनी है तो दोषों के बिना तो कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको दोष पूछना ही है लाइक लक्षण के इसमें, और हमें उसी से आधार पर संप्राप्ति बनानी है, मतलब दोष प्रकोप कैसा है और दोष के आधार पर ही संप्राप्ति बनाएंगे, तो फिर संप्राप्ति भंग के लिए या फिर कौन सा कल्प कैसे यूज करे, कौन से गुण से काम करेगा, इसमें क्या कंटेंट्स है जो दोषों के प्रकोप के ऊपर काम कैसे करेंगे, ये सब बातें हमें ध्यान में आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा हम हमेशा से अगर आधुनिक इस परिप्रेक्ष्य में सोचते बैठेंगे और हमारे कल्पों का प्रयोग करेंगे तो कुछ ये नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि हम आयुर्वेद से संप्राप्ति बनाना, मुझे लगता है हम सभी वैद्यों के लिए बहुत आसान सा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, जैसे आपकी देखिए इसमें जो दोषों का संबंध बताया ना, तो मुझे लगता है ये इजी हो गया है कि प्रदर रोग को समझना। हाँ, जरूरत है जहां पर आपको लगता है कि कुछ कर्डी डिस्चार्ज है, अलग सा कुछ लगता है तो हम पीबी एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट कंफर्टेबल है तो फिर हम उसको इमेज करेंगे, पैप स्मियर कराइए, एज फैक्टर है तो बिल्कुल दुर्लक्ष मत कीजिए क्योंकि एनीमिया कई सारे कारण है, एनीमिया से लेकर मतलब कर्क रोग तक ये कई सारे डिस्चार्ज के अलग अलग कारण हम लोग हमेशा से चर्चा करते रहते हैं। अभी सबसे पहले आचार्य योग रत्ना करने चिकित्सा में वातज पदर की चिकित्सा बताइए, तो देखिए मैं पढ़ती हूँ इसमें जो मुझे लगता है आप मैं बाद में इसको शेयर भी करूंगी ग्रुप पर, एक इसका ये बनाऊंगी मैं प्रोटोकॉल बनाऊंगी प्रदर चिकित्सा का, इसमें ये हम लोग ये भी डालेंगे, सभी जो अद्भुत नुस्खे बताए ना सभी आचार्यों ने वो भी डालेंगे, और आज के इसमें जो हम लोग कल्प यूज करते हैं अलग अलग प्रकार के तो उस कल्पों को भी, जैसे प्रदरांतक है, प्रदराद्रि चूर्ण है, लोह है वगैरह, तो इसको भी मैं डालकर एक प्रोटोकॉल बनाएंगे, एक एक वैदिक का प्रोटोकॉल हम लोग बनाते जाएंगे। तो सौवर्जल जो एक लवण का प्रकार है, नमक, श्वेत जीरा, जीरक आदि मोदक, जीरक आदि गुड़, जीरक आदि अरिष्ट, मैंने 3-4 कल्प जीरक के बताए हैं, बहुत अच्छा उसका प्रयोग है, बहुत अच्छे से रिजल्ट है इसके प्रदर के। आप जीरा पाउडर जीरे का पानी बनाकर भी देते हैं ना तो बहुत अच्छा, मतलब एवं उदक वस्त्रोत मूत्र वस्त्रोत पे भी बहुत अच्छा काम करता है, तो इसीलिए यहाँ पे सौवर्जल लवण, श्वेत जीरा, फिर मुलहटी, नीलकमल
नीलोफर को समान भाग लेकर अच्छे से उसका चूर्ण बनाइए और उस चूर्ण को मधु मिलाकर गाय के दही के अनुपान से पी देना है आपको। कितना सिंपल है, देखिए हमारे ओपीडी में तो ये सभी मिल जाता है, श्वेत जीरा है, मुलहेटी है, फिर नीलकमल, नीलोफर को समान भाग में लेकर उसका चूर्ण करिए। आज मुझे हमेशा से ऐसे लगता है कि बार बार जैसे हम भी हमारे इसमें सब कुछ जो है प्रिपेयर्ड चूर्ण रहते तो उसका खुद से बनाकर हम लोग 7 दिन का 15 दिन का ऐसे पूरी बनाकर ही देते, तो आप भी वैसे ही इन सभी का एक अच्छे से विधि पूर्वक चूर्ण कर मधु मिलाकर बताइए और या फिर गाय के दही के अनुपान के साथ पियेंगे तो वातज प्रदर के लिए ये बहुत अच्छा बताया है। तो अगर कुछ पेन सूचीवत है, कुछ डिस्चार्ज में कुछ ये नहीं है, लाइक चिकनाहट नहीं है, स्टिकीनेस नहीं है, क्लियर है फ्लो जैसे पानी के जैसा स्त्राव है, तो आप इसमें चिकित्सा दे सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे जरूर। क्योंकि यहाँ पर अभी जो जीरा जैसे मैंने बताया दीपन पाचन से लेकर स्त्रोत पर काम करेगा, लवन भी है इसमें, फिर नीलकमल है और मुलहेटी है इष्टि मधु, तो मुलहेटी का भी पुनरोपण एवं संधारणीय जीवनीय गण पर काम कर है उसका, बहुत अच्छे से मुलहेटी काम करती है। तो इस कार्यकारण मीमांसा भी समझेंगे तो मुलहेटी है वात का शमन भी करने वाली, लवन भी वात का शमन करने वाला होगा, तो इसीलिए इन सभी को एक वातज प्रदर में हम लोग दे सकते। इसके ऊपर किसी को कुछ बताना है तो आप बताइए, अभी आप कैसे देती है रूपल जी, अंजू, मिश्रा जी, डॉक्टर गौतम जी, डॉक्टर वरुण सिंह, हाँ बताइए मैम, मतलब हम चर्चा करेंगे जैसे अभी वातज प्रदर में आपको क्या लगता है और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं। और मैम कुछ घृत कल्पना यूज कर सकते हैं इसमें हम, शतावरी, यस वेरी नाइस, शतावरी ग्रुप दे सकते हैं, और क्या देंगे, मुलेठी तो आपने बताई थी, पुषानक चूर्ण वो तंडुलोदक के पर वो, बट वो पित्तज बहुत अच्छा है, अभी आगे योग रत्ना करने ही बताया है तंडुलोदक का, इसीलिए मैंने उस दिन आपको पुषानक चूर्ण का ये किया था। इसमें बहुत अच्छा ये कल्प है जो हम लोग यूज करते तो है, बट अभी योग रत्ना करके है ये भी शायद हम भूल चुके थे, तो इसीलिए थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा हमारा। बताइए और कुछ आप, लीना जी, स्वाति जी, नमस्कार मैम, इसमें हम लोग अगर कुछ मेडिसिन अवेलेबल ना हो तो पेशेंट को बोल सकते हैं कि तिल का चूर्ण और मधु के साथ दिया जाता है तो ये काफी लाभप्रद रहता है। तिलकलकोदक ना, तिलकलकोदक, बिल्कुल मैम। और इसी प्रकार से कई बारी पेशेंट हमारे पास अर्बन और कई बारी रूरल पेशेंट्स आते हैं तो चीनी, मधु, मुलेठी, सौंठ, इन सबको मिक्स करके जो चीजें घर में अवेलेबल हो उनको दही और घृत के साथ दें तो काफी इसमें आराम मिलता है, क्योंकि पेशेंट हमेशा आ नहीं पाती हैं और इन सब चीजों को अवॉइड करती हैं बताना, तो अगर उनको घर में ही कुछ बता देते हैं ऐसे होम रेमेडी तो इसका बहुत फायदा होता है। थैंक यू मैम, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो हमें तैयार रखना ही है हर बार, जैसे कुछ हमारे आजू बाजू के लोग है कोई पूछता है फोन पर तो हर बार कल्प बताना हर बार मेडिसिन से अच्छा है, मुझे लगता है कि ऐसे भी कुछ आप बताइए। और बताइए कुछ आपके अद्भुत मुख से बताइए, वातज में आप क्या उपयोग करते हैं, घृत पान करा सकते हैं, घृत दे सकते हैं, शतावरी आदि, मंडूर भस्मों का भी पुनर्नावा मंडूर है, या फिर कुछ जो अनेक बाकी जो कल्प बताए ना जैसे प्रदरादि लोह, प्रदरांतक रस, प्रदरादि चूर्ण है, इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हमें वात की वात शमन करने वाले, वात को बल देने वाले, यूट्रस को टोन देने वाले ऐसे द्रव्यों को चुनना है ना। रवि कुमार सर आप कुछ बताएंगे, निशा जी, रूपल, दिनेश पटेल जी, वरुण सिंह जी, मैडम प्रणाम, मेरा विषय इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, अशोक जैन सर, ठीक है फिर आगे बढ़े हम लोग, आगे बताओ। और एक दूसरा कल्प भी बताया है उन्होंने, देखिए शुंठी, मुलहेठी, तिल का तेल, शर्करा और गाय का दही, तो गाय का दही देखिए, गाय का दही दूसरे इसमें भी दही को बताया है, गाय का दही समान भाग लेकर एकत्र कर मथनी से मथकर पान करने से भी वातज प्रदर नष्ट होता है। कितना एकदम इजी है ना, एकदम देखिए शुंठी, मुलहेठी, तिल का तेल और शर्करा, ये सभी घर में होते ही है, शुंठी भी होती है, मुलहेठी भी होती है और तिल का तेल, शर्करा,
इन सभी को समान मात्रा में, जहां पर मात्रा नहीं बताते हैं तो वहां पर हमें समान मात्रा देखना है। गाय का दही समान भाग में लेकर इसको अच्छे से मथी और पीने को दीजिए। मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा नुस्खा है बिना इसके। और ये देखिए शुंठी है, दीपन पाचन करेगी, अग्निमान देखो दूर करेगी, मुलहटी जैसे टोन देगी, तिल का तेल भी वातकशमन करेगा, बिल्कुल पोषण भी करेगा, वहां पर वातजनित संप्राप्ति धातु क्षयजन्य संप्राप्ति को दूर करेगा, और शर्करा भी मधुर रस है तो बिल्कुल ये भी पुष्टि करेगी, शुक्र पुष्टि के लिए ये मदद करेगी। ठीक है, अगला कुछ बताती हूँ मैं। देखिए इलायची, शालपर्णी, द्राक्षा, खस, कुटकी। तो इलायची तो प्रजास्थापन गण में है, शालपर्णी, शालीपर्णी, पुष्पीपर्णी, जीवंती, काकुली, शीर काकुली, ये जीवनी गण के द्रव्य है। तो द्राक्षा जो कि मधुर रस वाला है, मधुर स्कंद के, हमेशा से ये भी बात ध्यान रखिए कि मधुर स्कंद या मधु जीवनी गण के जो द्रव्य है ना, हमेशा से व्रण रोपण का, संधान का कार्य करते हैं। तो बहुत सारे जैसे कुछ जख्म व्रण के विकारों में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। खस है, उशीर बहुत ही अच्छा है जो कि रक्त का शोधन करेगा, क्लेद का शोषण करेगा, ये भी काम करेगा। कुटकी है जो कि दीपन पाचन करेगी, लाल चंदन जो बिल्कुल शीत गुण का है हमें पता है, सौवर्चल नमक, सारीवा, सारीवा द्यासो भी, सारीवा यह रक्त की शुद्धि करेगा। तो सारीवा और लोध्र, तो देखिए मुझे लगता है कि हम अब हमें ये सभी द्रव्य आराम से मिल भी जाते हैं। समान भाग में लेकर विधिवत चूर्ण कर गाय की, फिर से गाय के दही का आचार्य ने बताया, गाय के दही के साथ योग्य मात्रा से पान करने से वातस्पद नष्ट होता है, और यदि इसी चूर्ण को मधु के साथ पान कराने से भी देखिए अनुपान बदलने से पित्त प्रदर में भी ये काम करेगा तथा रक्त प्रदर भी नष्ट करेगा। बिल्कुल बहुत सुंदर कल्प लगाइए मुझे, जरूर आप प्रयोग कीजिएगा। बताना है किसी को कुछ इसमें? डॉक्टर दिनेश पटेल सर, वातस्पद में मैम यूजली क्या रहेगा कि शायद पेशेंट कंप्लेंट करती है पेन का भी, पेन इन द सेंस कि बैकएक पेन हमेशा रहता ही है, और इसको एक मेन हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एज ए पीआईडी की प्रॉब्लम। जब भी कभी इस प्रकार का पेशेंट आता है तो योगराज गूगल के साथ, मुझे क्या लगता है पीआईडी में सूजन है, देखिए पीआईडी में सूजन है तो पीआईडी में सूजन दाह है तो उसमें पित्त कफ जनित संप्राप्ति ज्यादा होगी। और जैसे अभी आप बता रही है ना, तो ये बिल्कुल आपने सही बताया कि वातस्पद के रुग्ण में कटिशूल, पृष्ठशूल, थकान, चक्कर का आना और एकदम कुछ ऐसे बहुत अच्छे ये ऐसे लक्षण तो मिलेंगे। योगराज गूगल और साथ में लोधरासप या अशोकारिष्ट का भी सेवन किया जाए, या फिर उसमें अच्छा हेल्प मिलती है। अशोकारिष्ट कैसे प्रदर, मतलब दोनों प्रकार के प्रदर में भी काम करेगा, और अरिष्ट है तो इसमें बाकी जैसे धातु के पुष्प या बाकी सभी जो भी कंटेंट्स है ना, तो इससे संधान का भी कार्य होगा और थोड़ा सा बल भी मिलेगा। अरिष्ट का और एक है, जैसे आसो और अरिष्ट में हम लोग हमेशा अरिष्ट चुनेंगे क्योंकि अरिष्ट जो है वो सूक्ष्म स्रोतों पर जाकर अरिष्ट की कार्यकारण मीमांसा या जो काम करने का कार्मुकत्व जो है ना वो ज्यादा होता है आसो से। इसीलिए आसो और अरिष्ट में फर्क क्या है, तो ऐसे तो कुछ फर्क नहीं है, बट ये फर्क है कि अरिष्ट ये ज्यादा जल्दी से स्रोत सोन तक जाकर काम जल्दी करता है, फास्ट एक्शन होती है अरिष्ट की। असोस, और किसी को कुछ ऐड करना है? यस मैम, ठीक है फिर आगे बढ़ू। अभी मुझे लगता है वातस्पद में ये अच्छे दो तीन हमें कल्प मिल गए बहुत ही सिंपल वाले। नेक्स्ट बताया है आचार्य ने रक्त प्रदर की चिकित्सा उन्होंने बताई है, तो अरुसा यानी अड़ुलसा का स्वरस अथवा गुड़ुची का स्वरस और शतावरी का स्वरस और मुलहटी का चूर्ण एक कष। देखिए मुझे लगता है ये सारे बहुत ही प्यारे से ड्रग है जो हम लोग बहुत सारी वैद्यों में, ना केवल गायनिक की, इसमें देखिए अड़ुलसा जो कि बहुत अच्छे से प्राणवस्तु दस पर काम करता है, गुड़ुची तो आयुर्वेद का अमृता इसको बताया है, ये तो ज्वर से लेकर दीपन पाचन तक और मूत्र स्त्रोतस पर, उदक स्त्रोतस पर, सभी स्त्रोतसों पर उत्तम द्रव्य है गुरुचि का स्वर। शतावरी तो बस बेस्ट है, मुलहेटी का चूर्ण एक कर्ष और शर्करा चार कर्ष, इनको तंडुलोदक चावल के धोवन के साथ देने से, चावल का धोवन अच्छा है मुझे लगता है ना,
हम लोग बहुत बार का केवल के उपोष्ण जल थोड़ा सा कंटाला रूप में भी करते हैं और हम भी बताने में करते हैं शायद, ऐसे मुझे लगता है कभी कभी कि हम लोग सिंपल ही बताते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा डर लगता है कि हमारे पेशेंट्स कहीं इरिटेट ना हो जाए, इसीलिए हम सिंपल बताने का प्रयास करते हैं। बट तंडुलोदक इज रियली बेस्ट इन गायनिक स्पेशली, जैसे अनुभव है मेरा भी कि तंडुलोदक के साथ हम देते ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कल्प या योग मुझे लग रहा है। फिर से मैं दोहराती हूँ, अड़ुलसा गुरुचि शतावरी मूलेठी का चूर्ण एक कर्ष मात्रा में, और बाकी जो है ना शर्करा चार कर्ष मात्रा में लेकर इसको देना है हमें तंडुलोदक के साथ। और आप रक्तपत्र में क्या यूज करते सभी लोग बताइए, डॉक्टर सुभाष, कनवल मैम, गौतम सर, लीना, अंजू, रूपल। मैम तंडुलोदक कैसे बनाना है? तंडुलोदक यानी जैसे चावल, तंडुलोदक दो तीन प्रकार से भी बनाते हैं आप, तुरंत भी राइस वाटर तो मतलब लाइक उसके दो तीन प्रकार है, उबाल कर भी बनाया जाता है, पानी में आप चावल एक चम्मच लिया था अपने चावल पानी में रखिए, उसको आधा घंटा भिगो कर थोड़ा सा, और फिर जो पानी है उसको छान कर वो भी बन जाता है। कभी कभी इसको ज्यादा घंटे के लिए, ज्यादा समय के लिए भी, जैसे रात में भिगो दिया फिर सवेरे, बट जो राइस वाटर जो है ना, तो इसका प्रयोग काफी सारे लाइक कॉस्मेटिक वैल्यू भी इसकी है, बालों के लिए, त्वचा के लिए भी यूज किया जाता है। बट मुझे लगता है कि अगर हमें सिंपल ये बनाना है तो एक चम्मच लेकर उसको इसी प्रकार से बनाएंगे तो चल जाता है। और किसी को इसमें ऐड करना है रक्त प्रदर में? जी मैम बोलभद्र रस, कहरवा पिष्टि, अकीत पिष्टि, प्रवाल पिष्टि वगैरह। हम लोग जो दूसरी वाली आती है ना इसकी वाली जो शीत अधिक है ना उसका भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। और जहर मोरा भी ठीक है, बोलबद्ध तो बेस्ट ही है रक्त ब्रदर के लिए। और कुछ बताइए? रक्तपित्त कुलकंदन रस। कौन सा? रक्तपित्त कुलकंदन रस। कुलकंदन रस जी, कौन सी कंपनी का आप यूज करते हैं? बैद्यनाथ का आता है और भी कई कंपनीज का आता है, स्वास्थ्य का आता है। अच्छा अच्छा। दूर्वा स्वरस। हाँ दूर्वा तो बेस्ट, दूर्वा तो बेस्ट। इसमें बोलबद्ध, चंद्रप्रभा या चंद्रकला भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, पुष्यानुग भी अच्छा काम करेगा क्योंकि अगर रक्त प्रदर है ना तो पुष्यानुग भी अच्छे से काम करेगा इसमें। काम दुधा अगर दाह जनित थोड़ा सा कुछ है ना इसमें दे सकते, लाइक अगर व्यक्ति की प्रकृति पित्त प्रकृति की है, उसको कुछ पित्त की भी शिकायतें उसमें होती है तो भी कर सकता है। पित्तज प्रदर में हम देंगे उसको, पित्तज प्रदर में देंगे, पित्त प्रकृति व्यक्ति है तो देंगे, या फिर उससे जुड़े कुछ लक्षण जैसे दाह वगैरह मिलता है तो आप यूज कर सकते काम दुधा, बिल्कुल यूज कर सकते। अगला मैं बताती हूँ, बरियारे का अंग बलामूल को गोदुग्ध में पीस कर पान कराने से अथवा कुश और वचामूल को समान भाग लेकर चूर्ण कर तंडुलोदक के से पान कराने से भी रक्त प्रदर नष्ट हो जाता है। बलामूल को गोदुग्ध में पीस कर अथवा कुश और बलामूल को समान भाग लेकर, तो बला ये भी बहुत ही लाइक उसके नाम में ही बताया है, ये भी वात का शमन करेगी बिल्कुल, और फिर यहाँ पे शीत गुणधर्म है, स्तंभन करेगी, तो ये इसीलिए रक्त प्रदर में ये भी बताया है, और गोदुग्ध बताया है जो कि बल बढ़ाएगा और पित्त का शमन भी करेगा, तो ये भी एक बलामूल वाला भी है, इसमें ऐड किया है उन्होंने आचार्य योग रत्नाकर ने। दूसरा भी नेक्स्ट है इसमें, अति बला की जड़ को चूर्ण कर शर्करा और मधु के साथ मिलाकर खाने से भी रक्त प्रदर नष्ट हो जाता है। अति बला की जड़ को चूर्ण को शर्करा और मधु, ये भी अच्छा है, एकदम सिंपल है, देखिए अति बला फिर चूर्ण शर्करा और मधु, बहुत अच्छा है, ये सिंपल है। अब ये आगे उन्होंने ये सभी रक्त प्रदर के लिए बताया है, आगे देखते हैं कफज प्रदर के इसमें क्या बताया है अलग से, फिर उन्होंने चिकित्सा में जैसे वातज का हो गया, रक्त प्रदर का, बीच बीच में उन्होंने प्रदर का यानी श्वेत प्रदर का वर्णन किया है और बीच बीच में रक्त प्रदर के बारे में भी बताया है। तो कफज प्रदर में नीम का स्वरस, गुरुचि का स्वरस अथवा
रोहित का सरस अथवा काकोदुम्बर का जो रस है मध के साथ पान करने से भी कफज पदर नष्ट होता है। तो नीम, मुझे लगता है निश्चित रूप से नीम को हम लोग जानते हैं जो तिक्त कषाय रस का है, तो कफ का शमन करेगा। नीम एक बहुत ही आयुर्वेदिक चमत्कारिक दवा है जो दांतों से लेकर अनेक सारे त्वचा विकारों में भी इसका प्रयोग होता है। तो कफ जनित इसमें हमने देखा कि कुछ दुर्गंध है, चिकनाहट अधिक है, गाढ़ा होता है स्त्राव, तो इसके लिए ये अच्छा है ये सभी नीम या फिर गुरुचि भी या फिर रोहित का स्वरस या फिर काकोदुम्बर, ये सभी का मध के साथ शहद के साथ इसको पान करना है। दूसरा है काक जंगा को की जड़ का स्वरस, उसकी मूली का स्वरस, जड़ का स्वरस, मधु और लोध्र का चूर्ण मिलाकर यदि स्त्री को पिलाया जाए तो कफ प्रदर नष्ट होगा। तो कफ प्रदर के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे हमने पहले भी बताया था इसको, अभी फिर से एक बार इसको दोहराती हूँ मैं। काकजंगा की जड़ का सरस, मधु और लोध्र का चूर्ण, तो बिल्कुल लोध्र भी अच्छा है। लोध्रासो हम लोग बहुत अच्छे से, लोध्रासो का वाइड स्पेक्ट्रम यूज है, रक्त प्रदर में भी यूज कर सकते हैं, अधिक मेनोरोजिया कुछ स्पॉटिंग ब्लीडिंग वगैरह है ऐसे कंडीशन में, कभी कभी पेरिमेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में भी उसका मतलब ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होता है, बीच बीच में मेंस्ट्रुअल ये जो मेनोपॉज होता है ना, मेनोपॉजल इसमें भी बीच बीच में कभी अचानक से बहुत ज्यादा फ्लो होने लगता है मेनोपॉज होते होते, तो इसमें भी हम लोग लोध्र का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। सन्निपात प्रदर में हिरडा, आंवला, बहेड़ा, शुंठी, दारू हल्दी को समान भाग में लेकर विधिवत अच्छे से उसका काढ़ा बनाइए और इसमें मधु एवं लोध्र की चूर्ण का प्रक्षेप देकर पान कराने से भी त्रिदोष प्रदर नष्ट होता है। बिल्कुल, जो त्रिदोष प्रदर में हमने देखा था कि मुर्दे के समान दुर्गंध आती है, और बिल्कुल हिरडा, आंवला, बहेड़ा तीनों है इसमें, तो ये अच्छा बनेगा, ये भी इसका अच्छे से रिजल्ट आएंगे जो त्रिदोष का साफ शमन करेगा। शुंठी है इसमें, दारू हल्दी जो कि हल्दी तो एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीमाइक्रोबियल, व्रण शोधन करने वाली, वर्ण शोधन करने वाली, स्त्राव को रोकने वाली, दारू हल्दी तो कितने सारे कल्पों में बहुत सा अच्छे से सभी आचार्यों ने, लाइक भाव प्रकाश में भी, शारंग संहिता में भी दारू हल्दी का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है स्त्री रोगों में। तो इनको लेकर हम लोग मधु और लोध्र के चूर्ण में डालकर उसको थोड़ा सा प्रक्षेप के रूप में डालेंगे और इसको उपयोग में लाएंगे तो त्रिदोष प्रदर भी नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ ऐड करना है? आपने कभी देखा है सन्निपात प्रदर का पेशेंट? देखा है कभी, अनुभव किया आपने, इसे डायग्नोस किया था त्रिदोष ये है करके डायग्नोस किया है क्या कभी? यस मैम, बताइए। कफज प्रदर के बारे में बताना चाहूंगी कि कफज प्रदर में बेसिकली क्या रहता है कि कंडू मेन आपके पास सिम्टम लेकर आती है महिलाएं, तो उसमें अगर गंधक रसायन दिया जाता है तो बहुत अच्छा उसमें लाभ रहता है। और हरिद्रा खंड भी दे सकते हैं। जी मैम, और इसी प्रकार से नेवराधि कषाय, ये काफी अच्छा लाभप्रद रहता है अगर कंडू मेन कंप्लेंट है, क्योंकि अदरवाइज तो मालूम नहीं चलता। और त्रिकटु का तिक्त आदि कषायम और गंधक रसायन बटी, इन दोनों को अगर साथ में दिया जाता है तो ये काफी अच्छा रहता है। और इसके बाद जो आप पूछ रहे थे मैम के सन्नी पातज में जब भी स्मेल ज्यादा सिवियर आती है तो पहला साइन यही रहता है कि वन हैज टू गेट डन द पैप स्मियर टेस्ट, सिंपली बिकॉज कि ये एक आपको इंडिकेट करता है कि मोस्ट लाइकली पैथोलॉजी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो अभी हमें थोड़े से डिटेल इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसमें आफ्टर द रिपोर्ट्स या ट्रीटमेंट दिया जाए महातिक्तकम कषायम, जो कि कार्सिनोमास में, किसी भी प्रकार के कार्सिनोमास में, या तिक्तकम कषायम इनका उपयोग किया जाए, या तिक्तकम घृतम का यूज किया जाए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, तो वो काफी इसमें हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जैसे कफज में आप बता रही थी कंडू वगैरह होता है, तो इसमें हम लोग योनि धावन तो बेस्ट है, योनि धावन पिचू का भी तो लोकल एप्लीकेशन के रूप में बहुत अच्छा उपयोग है। और कफज योनि व्यापक या कफज जो बताया है प्रदर, ये तो बहुत ही ज्यादा आम भी है मुझे लगता है, जैसे बहुत बार कंडू जनित संप्राप्ति होती है, तो जैसे हम लोग इस कंडू जनित संप्राप्ति है तो 40 की उम्र है या आजकल 35 की ही उम्र है, तो मुझे लगता है पर वजनल भी एग्जामिनेशन करना चाहिए, और फिर लाइक आपने बताया जैसे पैप्समियर तो करनी ही करनी है, और पैप्समियर को रिपीट भी करना है,
दो साल में, भले ही कुछ नहीं है फिर भी हमें रिपीट करते जाना चाहिए, पेशेंट्स को भी हमें ऐसे ही एडवाइस करना है। आप और कुछ बताना चाहते हो सभी वैद्य लोग, बताइए कफज पर्दा में क्या ऐड करना चाहते हो तो बताइए। आपके पास और कुछ कल्प है इसके लिए, कफज इसकी देने के लिए, कफजनित संप्राप्ति में पतरंगासो वगैरह यूज करते आप लोग कभी किया है कभी पतरंगासो कांचनार गुगुल, क्योंकि गुगुल का भी रोल होगा कफज संप्राप्ति है तो बताइए। अंजू किसी ने किया है या फिर आगे बढ़े? मैंने अभी तो नहीं किया एक्चुअली, मैं जब से आयुष दर्पण से जुड़ी हूँ तभी से मैं दोषों के अनुसार इसे देखना शुरू किया मैंने, तो मेरे पास तो अभी रिसेंटली पेशेंट आई थी एक, वो उसका एक टिपिकल सिम्टम था, वो आई तो मेरे पास यूटीआई के लिए थी, बट उसको जब उसकी पूरी हिस्ट्री ली तो उसने डिस्चार्ज बताया कि उसका डिस्चार्ज भी स्मेली है। उन्हीं दिनों मैंने चरक में पढ़ा था कि पित्त जो प्रदर है उसमें डिस्चार्ज जो स्मेली होता है सारा उसकी मतलब उसकी यूटीआई भी जो है वो पित्त से रिलेटेड थी, फिर मैंने उसी हिसाब से उसको दिए मेडिसिन। अभी दोषों के अनुसार तो मींस अभी किया मैंने 4-5 महीने से ही सारा प्रॉपर करके जब से मैंने ज्वाइन किया एडीएफ। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैंने पहली बार वही बताया, पहली लाइन मेरी वही थी कि दोष धातु के बिना तो कुछ आयुर्वेद में संभव नहीं है, तो हम दोषों को छोड़कर कुछ कर ही नहीं सकते। प्रीति आप बताइए, डॉक्टर कल्पना कुछ बताना चाहती है तो आप। ठीक है, अगला मैं दोष निकालना सीख रहे हैं, संप्राप्त निकालना दोष के थ्रू। पहले हम लोग सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट्स करते थे, बट अब आयुष दर्पण से जब से जुड़े हैं तो दोष समझना सीख रहे हैं, संप्राप्ति निकालना दोष के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ डाला है आपने लीना जी? यस, स्क्रीनिंग तो करनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगला मैं पढ़ती हूँ। सन्निपातज पदर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, अगला नुस्खा बताया है, योग बताया है, रसवत और फिर चौराई शाख को जड़ की चूर्ण कर मधु के मिलाकर तंडुलोदक के साथ पान कराए और फिर सन्निपातज पदर नष्ट होता है। इसी प्रकार भारंगी चूर्ण में भी शुंठी का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से भी जो श्वास रोग नष्ट होता है इसे बताया है। तो कल शायद किसी ने मुझे पूछा था, आपने ही पूछा था शायद ना रूपल, श्वास के साथ कुछ आपका पेशेंट था ना, वो ब्लीडिंग वाला आपका ही था ना रूपल या अंजू? जी मैम मेरा था। ठीक है, भारंगी भी अच्छी है, भारंगी का प्राणवस्तु दस पर बहुत अच्छा काम है। अशोक की छाल का क्वाथ तथा उसको अच्छे से औटा कर ठंडा कर जो हम लोग उसका ना गौ के दूध को अच्छे से मतलब मिलाकर ठंडा, थोड़ा सा गौ का दूध ठंडा होना चाहिए और अशोक का काढ़ा बनाकर आप दूध के साथ अच्छे से दोनों को मतलब एक साथ हम लोग देते हैं ना, और अनुपान प्रातः काल बताया है अनुसार प्रातः काल पान करने से तीव्र प्रदर रोग नष्ट। कितना सिंपल है ये तो देखिए, अशोक की छाल का काढ़ा केवल और गाय का दूध, ठंडा किया हुआ गाय का दूध दोनों को अच्छे से प्रातः काल पान कराने से। बिल्कुल, थोड़ा सा इस गाय के दूध को औटा लीजिए, थोड़ा सा गाढ़ा बना लीजिए, अच्छे से औटा कर फिर उसको ठंडा कर दीजिए और सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग देते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, तीव्र प्रकार प्रदर रोग को नष्ट करता है। क्योंकि सवेरे शायद अग्नि का भी काम अच्छा होता है, इसीलिए फिर ये अग्नि का दीपक पाचन कराकर अच्छे से कार्य करेगा अशोक जो है। कूश की जड़ को तंडुलोदक पे पीस कर 3 दक पिलाने से भी स्त्री के प्रदर रोग युक्त से मुक्ति होती है। बिल्कुल, कूश जो त्रिलोपंचमूल में बताया है, कूश की जड़ को तंडुलोदक के साथ अच्छे से पीस कर 3 दिन तक पिलाते हैं तो ये निष्ठ होता है। फिर काकू उदुम्बर के फलों के स्वरस में मधु मिलाकर पान और दूध शर्करा से युक्त अन्न का सेवन करने से भी रक्तपदर नष्ट होता है। काकू उदुम्बर भी जो वटांकुर या फिर ऐसे जो सारे तो वर्ग है ना उसमें भी बहुत अच्छे से वर्ड एवं सभी द्रव्यों का उदुम्बरा का भी स्त्री रोगों में खासकर प्रयोग किया जाता है।
फिर हाँ अभी ये मैं अलग से पढ़ाना चाहती थी बट अभी आया है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए दार्वैदिकवाद बहुत अच्छा है, दार्वैदिकवाद मैं अलग से पढ़ाऊंगी फिर से, भेषज रत्नावली में भी इसका संबंध आया है, उल्लेख आया है दार्वैदिकवाद, जो इसके लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं हम लोग इससे, लाइक योनिधावन भी कर सकते हैं। तो देखिये दारू हल्दी, तो दारू हल्दी बहुत अभी मैंने बताया था उसके बारे में, फिर रसवत, फिर अड़ुलसा, नागरमोथा, चिरायता, कच्चे बेल की गुठली और शुद्ध अच्छे से इसको मिलाया, जो समान भाग में लेकर विधि पूर्वक काढ़ा उसका बनाएंगे और मधु का प्रक्षेप देकर पान करने से भी अत्यंत प्रबल प्रदर को शूल सहित जहां पर पीली काली तथा रक्त वर्ण का रक्त प्रदर हो या फिर नील प्रदर हो या श्वेत प्रदर हो सभी में अच्छा आराम मिलता है, सभी प्रकार यानी यहाँ पर पित्त वाला भी बताया है, नील प्रदर, नील वगैरह, पीत वर्ण का रक्त वर्ण तथा रक्त प्रदर या ऐसे कुछ सभी प्रकार के बताए दार्वैदिकवाद। देखिए फिर से एक बार कार्यकारण मीमांसा को समझिए, दारू हल्दी, रसवत, अड़ुलसा, नागरमोथा बिल्कुल शीत कषाय, नागरमोथा दीपन पाचन, चिरायता, कच्चे बेल की गुद्दी और को शुद्ध भिलावा के समान, को भिलावा जो है उसको समान भाग में लेकर विधि पूर्वक उसका काढ़ा बढ़ाएंगे और फिर हम लोग उसको मधु का प्रक्षेप देकर इसका पान कराएंगे तो अत्यंत तीव्र प्रकार का प्रदर रोग नष्ट होता है। आपको अनुभव है दार्वैदिकवाद रेडीमेड भी मिलता है, किसी कोई यूज करता है दार्वैदिकवाद काढ़ा, बताइए किसी ने यूज किया है दार्वैदिकवाद? बहुत सारे इसमें बताया है दार्वैदिकवाद, इसके कंटेंट्स को भी समझिए। स्वाति जी कभी यूज किया है आपने? डॉक्टर प्रभात सर नमस्कार। नहीं मैम मैंने कभी यूज नहीं किया इसको, कौन सी कंपनी का ये अच्छा रहता है? ये तो सभी कबर बहुत ज्यादा, मतलब पोटेकल का आता है, वैद्यनाथ का आता है, पोटेकल का भी अच्छा है ये। अच्छा, सर आए नहीं आप अभी इस महीने में, बताइए कुछ अनुभव आपका इसमें दार्वैदिक काढ़े का प्रयोग करते हैं आप कभी और कोई? अगला मैं पढ़ती हूँ, भूई आंवला की जड़ को चावल के धोवन के साथ पीस कर अथवा चूर्ण कर तंडुलोदक के साथ अनुपान के रूप में तंडुलोदक से पान कराने पे भी जो अच्छे से इसका उपयोग होता है और 3 दिन में ही भयंकर प्रदर रोग नष्ट होता है। मुझे लगता है आज हमने बहुत छोटे छोटे सिंपल वाले कुछ अच्छे देखे। भूई आंवला की जड़ को चावल के ओदन के साथ धोवन के साथ पीस कर अथवा चूर्ण बनाकर तंडुलोदक के साथ हम लोग अनुपान के रूप में तंडुलोदक देंगे और इसका प्रयोग करेंगे तो 3 दिन में केवल केवल भूई आंवला का बताया है या फिर जैसे केवल हमने बहुत सारे एक सिंगल वाले भी कितने सारे नुस्खे यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। मैम मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि आप क्या प्लीज ये बता सकती हैं कि तंदुलोदक की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, इसको हम लोग रक्त प्रदर या फिर श्वेत प्रदर में क्यों यूज करते हैं? नॉर्मल हम अनुपान किसी और व्याधि में इसका नहीं होता यूज यूजली, लेकिन प्रदर में इसको ड्रग मुझे लगता है कि तंदुलोदक कुछ कल्पों के साथ ही खास कर दिया है, बट अगर काय चिकित्सा एवं स्त्री रोगों की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि स्त्री रोगों में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग आता है, इसीलिए आप जैसे पूछ रही है। तो देखिए चावल या राइस को, अगर राइस की प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो एक्चुअली वो प्रोटीनियस है और राइस वाटर की प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो मतलब जहां तक मैं समझती हूँ जैसे हम लोग प्रयोग में लाते हैं तो ये रोपण करने का, संधान करने का एवं एक प्रकार से जो क्लेद अधिक बनता है ना इस क्लेद का शोषण करने का काम अधिक करता है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रदर एवं रक्त प्रदर एवं श्वेत प्रदर के व्याधियों में तंडुलोदक का अनुपान दिया जाता है, जो ये तंडुलोदक के गुणधर्म ये एक प्रकार से रोपण हीलिंग वाले सभी प्रॉपर्टीज इसमें होती है और ठंडा भी गुणधर्म है इसमें, शीत है तो स्तंभन भी करेगा और फिर क्लेद का शोषण भी करेगा, तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये काम करता है। जी मैम थैंक यू। और किसी को कुछ इसमें ऐड करना है तो बताइए, कर सकते कोई ऐड इसमें? अगर कुछ इससे ज्यादा कुछ आपको पता होगा तो ऐड करिए इसमें। क्योंकि खासकर गर्म पानी एवं बाकी का नहीं यूज करना है, हमें घृत का करेंगे हम लोग कभी या फिर तंडुलोदक का ही बहुत अच्छे से काम होगा। मोस्टली खदीर आदि कषाय कोटेकल का रहता है, वो बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट देता है और इसी प्रकार से कुछ भस्म वगैरह जो रहती हैं जैसे वंग भस्म
और कुकुटान भस्म रहती है, त्रिवंग भस्म हो गई, प्रधान तक लोग, त्रिवंग का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, कई सारे कल्प है, कई सारे कल्प, त्रिवंग भी है बिल्कुल, और इनका भी पुष्यानुक चूरण, त्रिवंग भस्म, प्रधान तक लोहो और कुकुट भस्म, ये सभी सम मात्रा में मिक्स करने के बाद, और पुष्यानुक ऑफ कोर्स ज्यादा 2 ग्राम्स में, बाकी सारा 250 मिलीग्राम्स में, और ट्वाइस डे दिया जाता है अलोंग विद लोधरासव या फिर मूसली कबीर आदि का शायम शहद के साथ, तो ये काफी इसमें हेल्प मिलती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को ऐड करना है कुछ कल्प, आप ऐड कर सकते हैं क्या मतलब, तंडुलक से जो है क्या क्लेश कम होता है? क्लेश कम होता है सर जी जी, कि ज्यादा से ज्यादा दोष दृष्टि बताई है ना, पट फिर भी एक जैसे देखेंगे तो धातुवाग्नि मानदेह है, फिर आम बनता है, क्लेद अधिक मात्रा में बनता है, धातु की दृष्टि है, क्योंकि रसमल कफ को भी हम लोग समझेंगे तो क्लेद यह शरीर के सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतों से निकलने वाला एक मल है, जो इस प्रकार से मतलब मूत्र के द्वारा, मल के द्वारा भी या कुछ ऐसे भी मार्गों से निकलता रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे कि जैसे चेंज हो जाती है, जैसे चावल को पका लिया तो क्या मैडम क्लेद बढ़ता है? सर वैसे भी चावल तो लाइक कफवर्धक ही बताए ना, मधुर शीत कफवर्धक ही बताए ना चावल, बिल्कुल मतलब कल्पना चेंज हो गई तो इसका परिणाम चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल। अभी अगला तो पुष्यानुक चूर्ण भी है यहाँ पर, बस एक दो मैं बताती हूँ, और कुछ अन्य अन्य योग के रूप में देखिए, शुंठी लोधर के चूर्ण को अच्छे से घृत और शर्करा के अनुपान में खिलाए, अथवा कुटजाष्टक चूर्ण घृत शर्करा के अनुमान से खिलाए तो अत्यंत बड़ा हुआ भी प्रदर रोग नष्ट होता है। एक बार रिपीट करती हूँ, शुंठी लोधर के चूर्ण को घृत और शर्करा के अनुपात से, तो शुंठी दीपन पाचन सभी कुछ हमें पता है, लोधर भी शीत कषाय स्तंभक वाला है, और घृत और शर्करा जो कि मुझे लगता है कि धातु का बल भी बढ़ाएगी ये, इसीलिए खिलाना या फिर कुट जाष्टक चूर्ण घृत शर्करा के अनुपात से खिलाए तो अत्यंत बड़ा हुआ प्रदर रोग भी बड़ा अच्छे से नष्ट हो जाता है, तो इस प्रकार की संप्राप्ति बनती है। और एक लास्ट वाला मैं बताती हूँ, धाय के फूल तथा सुपारी के फूलों को समान भाग में लेकर विधि पूर्वक काढ़ा करने से इसको 3 दिन तक पिलाने से भी प्रदर रोग नष्ट होता है। धायती पुष्प जो कि बहुत ही संधानीय बताया है, रोपण है, स्तंभक है, और फिर सुपारी के फूलों, तो सुपारी पाक जो मैंने एक बार सुपारी पाक को भी पढ़ाया था पिछले सत्र में, तो सुपारी का पाक यह मूत्र वृक्ष एवं शुक्र वृद्धि के लिए धातु कबल बढ़ाने के लिए उदक वह मूत्र वह शुक्र व स्त्रोतसों के ऊपर काम करने वाला ये सुपारी पाक है। सुपारी का बहुत अच्छे से जैसे यहाँ पर ये भी बताया था कि सुपारी का थोड़ा रोज सेवन करना है, सुपारी के काढ़े का प्रयोग करेंगे, उससे गंडूष वगैरह करते हैं तो भी व्रण में व्रण रोपण का कार्य होता है, बट सुपारी वैसे कषाय रस की है, जड़ता निर्माण करती है मुख में, तो इसको ज्यादा नहीं खाना है, बट थोड़ा मात्रा में खाते हैं ना तो शुक्र धातु को बल देती है, और सुपारी पाक में तो लाइक मिश्री है, चीनी मधुर रस है, तो सुपारी पाक इज द बेस्ट ड्रग चॉइस ऑफ ड्रग फॉर मेल इनफर्टिलिटी, जो भी शुक्र धातु की स्पर्म मोर्टेलिटी है, शुक्र धातु का बल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम करने वाली है, तो शायद सुपारी के कषाय रस के कारण इसको यहाँ पे यूज किया है। दहेटी भी तो कषाय रस की है, दहे के फूल तथा सुपारी के फूलों को समान भाग में लेकर विधि पूर्वक काढ़ा करके 3 दिन तक पान करने से प्रदर रोग नष्ट होता है। तो इस प्रकार से ये योग रत्नाकर आचार्य ने बताए हुए कुछ प्रदर रोग के बारे में जो योग है, मुझे लगा बहुत अच्छा लगा कि ये सभी योग बहुत सिंपल है, कुछ कुछ हम लोग प्रयोग में करते हैं बट कुछ कुछ जो बताए ना हमेशा कल्प से, क्योंकि जैसे हमने कल ही के सत्र में मैडम ने बताया था कि जो भी कल्प बाजार से लेते हैं तो वो शुद्ध क्वालिटी से उसकी प्रक्रिया बनाने की अच्छी हो तो ही रिजल्ट देंगे, तो इससे अच्छा हम लोग ऐसे काढ़े या चूर्णों को एक साथ मिलाकर पेशेंट्स को देंगे तो अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे और हमारे ऊपर का विश्वास भी बढ़ जाएगा रूप का। किसी को कुछ बोलना है फिर, या फिर हम लोग आज सत्र का अंत करें और कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे, कल के सत्र में पुष्यानुक चूर्ण भी है, और आप भी कुछ ऐसे ही बताइए जैसे स्वाति मैम ने आज अच्छा बताया, कुछ नुस्खे बताए वैसे ही आप भी बताइए कल के सत्र में भी, कुछ बताना है किसी को या रुके? चलते चलते एक लास्ट और मैं योग
शेयर करना चाहूंगी। मुलैठी, आंवला, हरद, बहेड़ा और फिटकरी, इन सबको संभाग कपड़ चुन लेकर मैम इसका सेवन मधु के साथ किया जाए तो इसमें भी काफी फायदा देता है मैम। बिल्कुल, फिटकरी का भी अच्छा रोल है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा बताया आपने, और आप सभी वैद्यों का भी जो भी फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि आप सत्र में जुड़िए हमारे साथ, और जैसे अभी हम लोग अच्छे से चर्चा कर रहे थे उसी प्रकार से आप भी चर्चा करेंगे तो हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा और आपको भी निश्चित रूप से आपकी प्रैक्टिस में फायदा होगा। तो जरूर आइए हमारे इस ग्रुप में, आप सभी का स्वागत है। तो आज के लिए रुकते हम लोग, आभार सभी का, नमस्कार सभी को, धन्यवाद। कल इसी समय हम लोग सत्र लेंगे ऐसे ही, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार।